बात करें आधार कार्ड को लेके, सरकार तरफ से एक न्यूज सामने आई है। मान लीजिए आप कहीं से लोन लेते हो आधार कार्ड से, तो उसमें क्या होता दोस्तों कि आपका पहले यहाँ पे ओटीपी देना पड़ता था आधार कार्ड पे। जी दोस्तों, पहले आपको ओटीपी देना पड़ता था, लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। पहले आप ओटीपी देते थे तो आपका जितना जो डेटा था दोस्तों आधार कार्ड पे, कहाँ कहाँ से आप आधार कार्ड लिंक है, सारा डेटा उस प्राइवेट कंपनी के पास चला जाता था। लेकिन दोस्तों सरकार ने ये चीज अब हटा दिया है, किसी प्राइवेट कंपनी को, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के दोस्तों ये हक हटा दिया गया है कि आप दोस्तों अपना ओटीपी किसी को ना बताएं। मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी, कोई वेबसाइट आपसे आधार कार्ड का ओटीपी मांगती है तो ये चीज ना दें। ये चीज दोस्तों हक अभी है दोस्तों सरकारी वाले के लिए। मान लीजिए कोई सरकारी वेबसाइट है, उस पर भी दोस्तों ध्यान से देखिए कि वो सरकारी वेबसाइट है कि नहीं। सरकारी वेबसाइट दोस्तों एक ही अब यहां पे मुझे नगर में सही आ रहा है दोस्तों, जो है यूआईडी के साइट है, वहां से आप आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना ओटीपी देना जरूरी है वहां से। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कंपनी के लिए यहां पे बंद हो गया है। कोई भी प्राइवेट कंपनी, कहीं से आप लोन लेते हो चाहे कुछ भी लेते हो, वहां पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई कंपनी आपसे किसी बात के लिए, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हो, वहां पे आपका आधार कार्ड का ओटीपी मांग रही है, तो वहां पे वो फिल मत कीजिए, क्योंकि जो भी आपका आधार कार्ड डेटा होगा वहां से आपका सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। ये हक दोस्तों प्राइवेट कंपनी से सरकार ने हटा दिया है। आप सिर्फ दे सकते हो दोस्तों आधार कार्ड का यहाँ पे फोटो दिखा सकते हो, फोटो खींच के उनके पास दे सकते हो, इससे आपका डेटा लिंक नहीं होगा। जो फोटो कभी डाउनलोड करते हो दोस्तों उसको आप खींच के दे सकते हो, ये चीज सही है, ये तरीका सही है। लेकिन ओटीपी अगर देते हो तो वो दोस्तों आपके एक एटीएम की तरह होता है, जैसे कि आपका एटीएम होता है, उसमें आपका पिन कोड होता है, उसको आप तो पिन कोड नहीं डालते हो, आपका पैसा नहीं निकलता है। इस तरह से जैसे ही आप ओटीपी इस पे डालोगे, आपका हो सकता है आपका बैंक से पैसा निकल सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, मैं वीडियो बनाऊं चाहे कोई सा लोग वीडियो बनाता है, उस वहां पे अगर कोई बंदा वहां पे कम से कम ओटीपी मांगता है उस वेबसाइट पे, तो वहां पे आप ना दें। क्योंकि दोस्तों जितने वेबसाइट पहले लोन देते थे चाहे कोई कुछ भी करती थी, वहां पे ये चीज अब हट चुका है ओटीपी का सिस्टम। अब सिर्फ आप फोटो खींचिए, अब फोटो वहां पे दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी यही दिखाना है, अब उसको ओटीपी नहीं देना है आपको। अगर कोई कंपनी आपको ओटीपी मांगती है तो ये ओटीपी मत दे, क्योंकि दोस्तों ओटीपी किस लिए मांगती है वो पहले ध्यान रखिए। अगर कोई बंदा अगर ओटीपी मांगती है किसी वेबसाइट, तो ये पहले देखिए कि ओटीपी किस लिए मांग रही है। अगर आपका आधार कार्ड सिर्फ डाउनलोड करने के लिए मांग रही है और यूआईडी के साइट पर डायरेक्ट वो जा रहा है, तब जाके वहां से आप कम से कम उसको डाउनलोड करने का हक दीजिए। मान लीजिए कोई बंदा आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई वेबसाइट आपको देता है, जैसे कि यहाँ पे मूवी की एप्लीकेशन है, वो सीधे यहाँ पे ओटीपी भी मांग रहा है, लेकिन वो कहां मांग रहा है आपने देखा होगा कि वो सीधे ले जा रहा है यूआईडी के साइट पे। यूआईडी के साइट दोस्तों वो सिर्फ आधार कार्ड डाउनलोड करने का काम आता है। तो दोस्तों ये इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, अब प्राइवेट कंपनी को ये हक नहीं है। जब भी आपको और कोई ओटीपी डालना होता है सिर्फ आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वो डायरेक्ट लिंक चला जाएगा यूआईडी के साइड पे। अभी दोस्तों सिर्फ यहाँ पे हक है यूआईडी के साइड पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये खबर अच्छी लगी आपको, और ये खबर से आप सुरक्षित हो जाओगे। आप ध्यान रखोगे अपने आधार कार्ड बिल्कुल सुरक्षित रखने के लिए। अब जो भी यहाँ पे आधार कार्ड लोन लोन मिलेगा वो आपका पैन कार्ड के साथ में मिलेगा, सिर्फ आपके आधार कार्ड पर लोन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले कि आपके लिए ऐसी ऐसी खबर और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।